बुधवार का दिन जाले नगर परिषद क्षेत्र में शाम 5 बजे से पहले तक सिर्फ जिंदाबाद के नारों से और मोटरसाइकिल के शोर से गूंजता रहा। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे जाले नगर परिषद के लिए जारी चुनाव प्रचार अभियान पर रोक लग गया है। ऐसे में 5 बजे से पहले ही उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी सैयद मोहम्मद हसन इमाम अपने पूरे काफिले के साथ अंतिम बार मतदाता मालिकों के बीच घूमकर अपना चुनाव निशान लट्टू छाप पर वोट गिराने की अपील करते नजर आए। उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ चल रही थी। मुख्य पार्षद के शोर में ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद सुफियान ने चुपचाप मतदाताओं के बीच अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। हालांकि अब दावे और वादे का समय समाप्त हो चुका है। शुक्रवार को जनता अपना फैसला सुनाएगी। अब देखना है कि विजय का पताका कौन फहराता है। लेकिन उससे पहले उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी से हुई ये खास बातचीत सुनिए। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हसन इमाम है, उर्फ सुफियान। सुफियान के नाम से लोग मुझे जानते हैं। और मैं मुख्य पार्षद का कैंडिडेट हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है लट्टू छाप, क्रमांक संख्या 22। सर, चुनाव की गर्मा गर्मी तो बहुत तेज हुई और आज ये गर्मी शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। क्या लगता है, आप जनता के बीच गए, डोर टू डोर कैंपेन किए, जनता की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? जनता का बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत हमको मिला और बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। घर घर जाकर कैंपेन कराया, जिसका नज़ारा अभी 5 बज गया है। 5 बजे देख रहे हैं कितने जनता की भीड़ मेरे अगल बगल आगे पीछे और बनी हुई। सर, अगर जाले की जनता आप पर भरोसा जताती है और उप मुख्य पार्षद के तौर पर आपको चुनती है, तो वो सबसे पहला 3 काम क्या होगा जो आपके द्वारा किया जाएगा जाले में? सबसे पहला काम मेरा होगा शिक्षा, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा है रोड नाला सबकी समस्या है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो पहले से हमको इतना मालूम भी नहीं था। जब से नगर परिषद बना है तो बहुत सारे नई जगह जाने का मौका मिला है। उससे ये पता चला है कि पंचायत चुनाव इससे पहले हो रहा था, मैं भी पंचायत प्रतिनिधि रह चुका हूँ। पंचायत प्रतिनिधि का रोड क्षेत्र बहुत छोटा होता है, ये 3 पंचायत से बड़ा क्षेत्र है। इसमें हमको बहुत सारी कमी भी नज़र आई है, जिसमें शिक्षा सबसे पहले है, रोड है, नाला है, इन सबों पर काम किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता अगर हम पर भरोसा जताएगी, हमको वोट देकर कामयाब बनाएगी, तो जनता का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और जो भी समस्या है जनता की, उन तमाम बिंदुओं पर काम होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही जनता से अपील करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। उनकी तमाम समस्या हमारी समस्या है, और क्या कहते हैं, घर घर जा कर के जो समस्या हमको नज़र आई है, जो भी सारा 2400 घंटा रह करके मैं काम करने का कोशिश करूँगा।